यहाँ पे लगा दूँ तो बेसिकली मैं किचन में हूँ, सुधरिए मत। वाला शैम्पू और इसी का कंडीशनर है, ये दोनों है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी कृति। एंड अभी बज रहे हैं 6:20 मॉर्निंग के एंड मैं नहा चुकी हूँ एज यू कैन सी। सो आज आपने टाइटल से देख के तो पता लगा ही होगा, वरना मैं बताती हूँ आज हम करने जा रहे हैं ब्लू फूड चैलेंज। सो आई डोंट नो ये कैसा होने वाला है। सो उससे पहले हम हमारा स्किन केयर कर लेते हैं। सो स्किन केयर के लिए मैं सबसे पहले मतलब यूजुअली नहाने के बाद मैं अप्लाई करती हूँ ये गुड वाइब्स का रोज लिप सीरम। एंड सॉरी मैंने लाइट ऑन नहीं करी, यू कैन सी। सो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी रोज लिप सीरम, मतलब मेरा तो बहुत फिनिश ही हो चुका है। सो इसको मेरा बिल्कुल फिनिश हो चुका है। सो गाइस पर जितना बचा है उतना ही अप्लाई कर लेते हैं, उसमें ही हमारी भलाई है। और उसके बाद इसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करना है एंड जस्ट मसाज करना है। एंड यू कैन सी मैंने ब्लू ब्लू टॉप करना है। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पे गुड वाइब्स के लिप बाम एंड वी आर रेडी टू गो। ओ गॉड, तो गाइस यू कैन सी लाइट बंद करने के बाद कैसा दिख रहा है, मतलब अंदर तो अंधेरा ही होगा। सो बाहर फिर भी मतलब उजाला हो चुका है बट अंदर धूप नहीं, धूप क्या कुछ भी नहीं है। सो यू कैन सी मैंने मेरे बाल सुखा लिए हैं एंड सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने क्या मंगवाया था वो आपको मैं बताती हूँ, पर उससे पहले मैं इसको स्टैंड को यहाँ पे लगा दूँ तो बेसिकली मैं किचन में हूँ, सुधरिए मत। यू कैन सी दिख रहा है उजाला हमारे खिड़की में, पीछे रोशनदान है। सो यू कैन सी, सो अब लाइट ऑन कर देती हूँ। बहुत सुबह भी नहीं हुई, सुबह मतलब हो चुकी है पर मौसम तो खैर रहता ही है ऐसा। सो मैं आपको बता रही थी आज का ब्रह्मास्त्र। सो आज का ब्रह्मास्त्र मैं बता रही हूँ। सो गोपाली को एंड गोपाली दी को एंड पायल दी को करते हुए देखा है, उसके उन दोनों के बाद मैं थर्ड हूँ। सो गाइज प्लीज हेड जो है ये सिर्फ ये ही है, इसकी वजह से ही हम हमारे पूरा ब्लू फूड चैलेंज कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब हमारा चैलेंज सिर्फ इसी के ऊपर टिका हुआ है। सो ये है ब्लू टी, वर्ल्ड्स मोस्ट कलरफुल टी, ब्यूटी बटरफ्लाई टी फ्लावर्स एंड बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है। सो यू कैन सी द बैक साइड, उसमें बताते हैं बटरफ्लाई प्ली फ्लावर्स इज अ यूनिक हर्ब एंड गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैनकाइंड। दीज फ्लावर्स आर ग्रोन इन ऑर्गेनिक फार्म्स ऑफ साउथ एशिया एंड प्लग्ड विद स्किल्ड हैंड्स एंड आर नेचुरली सन ड्राइड बाय एज ओल्ड टेक्निक्स विदाउट यूजिंग मशीन्स।
सो ये बहुत ही अच्छी है, मतलब हेल्दी है हमारे लिए, बहुत टेस्टी है एंड कलरफुल तो ऑब्वियसली है, उसके बिना हमारा चैलेंज ही कभी नहीं हो सकता। सो इसमें हर्बल फ्लावर टी है, थाई फूड है, ब्लू राइस नूडल्स बना सकते हैं, डेजर्ट एंड आइसक्रीम बना सकते हैं, कॉकटेल इन्फ्यूजन, आइस टी, मॉकटेल्स, गवर्नमेंट एंड सिरप, तो ये सब अपन बना सकते हैं। सो बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है एंड बहुत ही लाइट वेट है। सो इसको मैं आपको थोड़ा करीब से दिखा देती हूँ। So blue pea flowers is a unique herb and a gift of nature to mankind. These flowers are grown in organic farms of South Asia and plucked with skilled hands and naturally dried by age-old techniques without using machines. And the mild flavor of butterfly pea makes it very useful and versatile both in tea and culinary world. And इसकी जो price है वो है 499 rupees and if a ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड कनाडा से खरीदते तो डॉलर 17.99 एंड यूके की प्राइस है 16.99, यूरोप की प्राइस है 16.99। हम लेंगे यहाँ पे पानी, आप कितना भी पानी ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पे एक कप ले रही हूँ बिकॉज मेरे को एक कप चाय बनानी है। सो उसके बाद यहाँ पे चार पत्ती मैंने ये फूलों की डाल दी है, इसमें सिर्फ फूल आते हैं, कोई चाय पत्ती नहीं आती। एंड उसके बाद चाय डाल के एंड चीनी डाल के एंड इसको मिला लूँगी। मैंने दूध वाली चाय नहीं बनाई, नॉर्मल चाय बनाई है। एंड इसको यू कैन सी बिल्कुल ग्रीन हो चुकी है। सो गाइस, दिस चाय बन चुकी है हमारी, सो लेट्स सी कि कैसी बनी है, पी के देखते हैं। सो बिल्कुल ब्लू है, यू कैन सी, मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल ब्लू कलर है, मतलब और डार्क ब्लू हो चुका है, यू कैन सी। बहुत गर्म है ये, सो ठंडे जान दो, तो जब तक मैं आपको कुछ बता देती हूँ। सो इफ यू आर वंडरिंग कि मैंने कौन सा शैम्पू यूज़ किया है, सो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मतलब मैंने फर्स्टली ट्राई किया है, ये है ट्रेसिमी का यूज बाय प्रोफेशनल न्यू कैरेटिन स्मूथ वाला शैम्पू एंड इसी का कंडीशनर है, ये दोनों है। सो ये कैरेटिन स्मूथ है विद कैरेटिन एंड आर्गन ऑयल, ये अप टू 100% स्मूथ और शाइनी हेयर कर देता है हमारे। एंड ये 185 के ml की बॉटल है। सो इसकी कॉस्ट टोटल है 125 रुपीस का ये शैम्पू है एंड 220 की ये कंडीशनर की बॉटल है एंड ये 190 ml है। सो इसका रिव्यू तो बहुत जल्द आने वाला है, पर पहले मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ। बट फर्स्ट ट्राई में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, यू कैन सी कि डिफरेंस कितना ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया मेरे हेयर्स। सो बस चलो चाय पीते हैं, बहुत गर्म है। एंड इफ़ यू आर अ चाय लवर, सो जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि यू आर अ चाय लवर, बिकॉज मैं तो चाय लवर हूँ। बिना सुबह चाय पिए दिन खराब ही हो जाता है अगर चाय नहीं मिलती तो। सो चाय ठंडी होती है, बट मैंने इस शैम्पू को जस्ट फर्स्ट टाइम जब ट्राई किया, मतलब आज ही फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, सो बहुत अप्लाई करके ही बहुत ज़्यादा स्मूथ हेयर हो गए हैं। एंड यस गाइस, अगर आपको मेरा फेस थका थका लग रहा है, सो मुझे चैलेंज करना था, इसलिए मैं जल्दी उठी हूँ। उठी क्या हूँ, मैं सो ही नहीं थी, मतलब एक दो घंटे सो के अंदर उठ गई, सो क्योंकि चैलेंज करना था एंड जल्दी उठना ज़रूरी है। सो ज़रूरी इट मीन्स लाइक कि चैलेंज करना था एंड फिर चैलेंज हो नहीं पाता है। सो पैकिंग भी कर रही थी मैं गिव अवे के गिफ्ट्स की, सो इट्स वेरी। सो जिन्होंने एड्रेस नहीं भेजा है वो मुझे जल्द से जल्द एड्रेस भेज दीजिए। सो चाय पी लेते हैं एंड ठंडी हो गई है, सो लेट मी ट्राई बिकॉज आई डोंट नो ये कैसी होगी। सो आपको मैं दिखाती हूँ, बिल्कुल ब्लू है, यू कैन सी। लाइक द टेस्ट बट इट्स ओके ओके, मतलब इतनी कोई बुरी नहीं है और इतनी कोई अच्छी नहीं है, मतलब इट्स ओके, नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ दिस।
So yes guys, I'm done with my peeing my chai. Yes guys. So chai मैंने पी ली है, but इतनी नहीं पी, थोड़ी सी पी, because मुझे उसका taste पसंद नहीं आया. And sorry जिनको पसंद आता है. And so चलिए देखते हैं. अब मेरे को भूख कब लगती है, because अभी फिलहाल कुछ भूख नहीं लग रही, क्योंकि नींद आँखों में चढ़ रही है. इसलिए सो लेट्स सी कि क्या पता मैं सो जाऊँ, सो उसके बाद कुछ खाते हैं. सो चलिए बाय बाय टिल देन. सो यस गाइस, अब हम बनाने जा रहे हैं ये पास्ता. इट्स नॉट अ वाइट, इसको हम वही ब्लू वाली टी लेके और उसको मिक्सअप कर लेंगे. सो ये है मशरूम पेने पास्ता एंड बहुत इजी है इसको. सो एक्चुअली चलिए बनाते हैं, फिर मैं बताती हूँ उसमें क्या करेंगे हम. इफ यू आर पास्ता लवर सो हिट द लाइक बटन, बिकॉज अगर आपको पास्ता पसंद है तो ऑब्वियसली. एंड कमेंट बॉक्स में इसमें ऐसे पास्ता आता है एंड इसमें टेस्ट मेकर आता है. सो चलिए बनाते हैं. तो यहाँ मैंने पास्ता लेके और उस पानी के अंदर वो जो चार पत्ती डाली थी वैसे ही डाल दिया एंड उसके अंदर टेस्ट मेकर डाल के इसको मिला लूँगी एंड धीरे धीरे करके इसका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा. सो यू कैन सी एंड जैसे जैसे वो पानी एब्जॉर्ब होने लग जाएगा तो ये बिल्कुल क्वांटिटी कम हो जाएगी. सो यू कैन सी एंड दिस इज आर फाइनल पास्ता जो हमारा बन के तैयार हो चुका है. Guys, you can see कि मैंने पास्ता बनाया था एंड इट्स लेजेंडरी ब्लू. इट्स रियली ब्लू एंड इसको टेस्ट कर लेते हैं इसका टेस्ट कैसा बना है. सिर्फ कलर चेंज हुआ है, बाकी पास्ता वही का वही है. सो इट्स अ बिग थम्स अप. यू कैन सी बिल्कुल ब्लू ब्लू है. I'm done with eating that and थोड़ा सा बचा रह गया क्योंकि इतनी भूख नहीं थी. सो चलिए बाद में मिलते हैं जब भूख लगी है. बाय बाय. सो गाइज, अब मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का हलवा. सो बेसिकली सूजी का हलवा वाइट होता है तो उसमें ब्लू करना बहुत ईजी रहेगा. सो उसकी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ. सो सबसे पहले लेना है आपको आधा कप सूजी. सो मैंने आधा कप ही सूजी ली है एंड मतलब अपनी नींद के लिए मैंने कम ली है. आधा कप जितना चाहे आप एक कप लेते हो तो एक कप चीनी लेनी है. ऐसे मैंने आधा कप सूजी ली है तो आधा कप चीनी ले रही हूँ. एंड उसके साथ आपको चाहिए डेढ़ गुना पानी, मतलब इसका तिगुना पानी चाहिए आपको. तो एक एक दो तीन ऐसे तीन कप पानी चाहिए आपको. और अगर आप एक कप सूजी ले रहे हो तो वैसे ही एक कप तीन कप उसका पानी चाहिए. सो उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे किशमिश क्या वो बोल रहे हैं, इलायची. एंड उसको पीसी हुई इलायची लेनी है एंड उसको मैं भी पीस लूंगी. देन उसके बाद लेना है आपको घी. एंड घी आप जितना आपने सूजी लिया है उतना घी लेना है, उससे कम भी ले सकते हैं. एंड उसके बाद मैंने लिए यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स बादाम एंड उसके साथ लिए है मैंने यहाँ पे ये केसर वाला दूध. इसके अंदर केसर भी है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड पानी मैंने वो जो ब्लू टी है हमारी, ये भी ब्लू टी है, इसका वाला पानी मैंने निकाल के गरम करके रख लिया है. सो जो चीनी के तरह साथ में जो पानी डालेंगे वहां पे हम ब्लू पानी डालेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले हम सूजी को सेक लेंगे अच्छे से एंड सूजी को सेकने के बाद उसको निकाल लेंगे एंड देन उसके अंदर डालेंगे चीनी. उसके अलग अलग चीनी डालेंगे एंड उसके अंदर वो पानी डाल देंगे. सो मैंने यहाँ पे ब्लू पानी लिया है बिकॉज हमको ब्लू बनाना है. सो घी लेके एंड हम उसमें बादाम डाल देंगे एंड घी को अच्छे से मिलाने के बाद बादाम डाल के एंड उसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे. रोस्ट करने के बाद उनको निकाल लेंगे एंड देन सूजी को वापस घी के अंदर उसी घी में अच्छे से
सेकेंगे एंड सेकने के बाद बादाम डालने के बाद हम केसर पुड डाल देंगे एंड उसके बाद पानी डाल देंगे। सो ध्यान रखिए कि ये ऊपर उछल के आएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़राब हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अब धीरे धीरे करके ये इसकी कंसिस्टेंसी बहुत हार्ड होने लग जाएगी। सो यू कैन सी धीरे धीरे करके कितना ज़्यादा बिल्कुल हलवे जैसा हो गया है। ये ब्लू में थोड़ा ऐसा लग रहा है वरना वाइट में बहुत सुंदर दिखता है। सो दिस इज़ आवर फाइनल हलवा। सो यस गाइज, मैंने ये हलवा बना लिया है। यू कैन सी दिस, दिस इज ब्लू एंड हल्का हल्का ब्लू है, यू कैन सी। सो हम इसको खा लेते हैं। गाइज बहुत अच्छा बना है एंड इफ अगर आपको मतलब इसको वाइट वाले में देखना है सो मैं उसकी रेसिपी भी आपके लिए ले आऊंगी, बट उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। सो कुछ ज़्यादा नहीं करना, जहाँ हमने ब्लू पानी डाला है ना वहाँ सिर्फ वाइट पानी डाल देना है, वाइट पानी में नॉर्मल पानी डाल देना है बस, सिंपल। बाकी सेम रेसिपी है। सो बट फिर भी एक अलग दिखाने के लिए मैं आपको जरूर बनाऊंगी आपके लिए रेसिपी, एंड बहुत ऑसम है। सो यस गाइज, ओ मैंने टीवी बंद करा। सो यस गाइज, सूजी का हलवा हमने फिनिश कर लिया है। सो अब मैं क्या बनाऊंगी, सो अब मैं बनाऊंगी वो तो आपको चलते हैं देखते हैं क्या बनाती हूँ। सो चलिए, सो अब मैं बनाऊंगी मैगी। सो बनाते हैं। सो यस गाइज, अभी मैं बनाने जा रही हूँ मैगी। सो यू कैन सी एंड ऑनियन एंड जो मिर्ची होती है वो काट ली है। सो बना लेते हैं। सो यू कैन सी इट्स टोटली ब्लू, बट आई डोंट नो आप लोगों को ऐसी क्यों दिख रही है। एंड इस ये मसाला है, इस क्योंकि मसाला मैंने कोई ऐड नहीं किया, जस्ट ऊपर से ऐड कर लेते हैं। इफ यू आर अ मैगी लवर सो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने मैगी पे ये डाल लिया है। इट्स नॉट अ, ये नहीं है कि ये ब्लू है, ये इसको मिक्स करने के बाद एकदम हो जाएगा। इट्स यम्मी। सो यस गाइज, मेरा ये जो है मैगी वो फिनिश अप हो चुकी है। सो अभी मैं कुछ ऑर्डर करूँगी, सो देखते हैं क्या ऑर्डर करती हूँ।
ऑब्वियसली वो जो भी होगा वो ब्लू ही होने वाला है। खा खा के सुबह से इतना थक चुके हैं, बहुत मिनिमम चीज़ें खाई हैं, बट ऐसी खाई है जो हैवी थी सो ज़्यादा भूख ना लगे। सो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। So guys, this is my last food क्योंकि आज सुबह से बना बना के and खा खा के बहुत थक चुके हैं। And if you are a big fan of Blue Lagoon, so just comment box में बता दीजिएगा कि आपको कैसी पसंद है या नहीं है। And इसी के साथ मैं चैलेंज ख़त्म करती हूँ। एंड मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप स्विगी से, मैंने ये स्विगी से ऑर्डर किया था, सो इफ़ यू ऑर्डर फ्रॉम स्विगी तो सो दे आर गिविंग दिस हैंड वॉश एंड ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि। सो गाइस, इसी ब्लू लगून के साथ हम ये चैलेंज ख़त्म करते हैं। एंड अगर आपको ये चैलेंज पसंद आया हो सो प्लीज़ मेरे को बताइएगा। एंड इंडिया में एज आई एम थर्ड जिसने ये ब्लू लगून या फिर ब्लू चैलेंज किया है। एंड अगर ब्लू फूड चैलेंज अगर आपको पसंद आया ना सो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि ब्लू फूड ढूंढना बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है एंड बहुत कम फूड होते हैं जो मिलते हैं। कलर डाल के बन सकता है बट एक्चुअल जो ब्लू है वो नहीं मिलता। एक कैबेज को चेंज करके बनता है, फिर मैंने वो ट्राई नहीं किया एंड क्योंकि वो गोपाली दी ने किया था। सो चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड बाकी सब आप कर ही लेंगे। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय बाय।